अरे ये क्या है डॉक्टर झटका, ये क्या पढ़ रहे हो? ओ कुछ नहीं कुछ नहीं। तुम दोनों चाय वाले की दुकान में जाओ, हम तुमको वहाँ पे समोसा खिलाएगा। कुछ तो गड़बड़ है, साइड हटो साइड हटो। तो तुम दोनों हमसे ये छुपा रहे थे? बचाओ बचाओ, हम आ रहे हैं। मैंने तुम्हें बचाया। छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। कसम मेरे मरीजों की, इतना प्यार तो किसी ने नहीं किया मुझे। जाओ, मुझे हीरो बनना है, मुझे हीरो बनना है। और ये मुंह और मसूर की दाल, हीरो मैं बनूंगा। उड़ी बाबा, हीरो तो हम बनेगा। घसीटाराम, तुम्हारे साथ हीरोइन ऐसे लगेगी जैसे कौवे की चोंच में अनार की कली। हीरो मैं बनूंगा। तुम्हारे साथ हीरोइन ऐसे लगेगी जैसे बंदर के सर पे चमेली का तेल। उड़ी बाबा, कौवे की चोंच, अनार की कली, बंदर, चमेली। उड़ी बाबा। What is this? The name is Chingam. Chingam ke changu se bachna impossible. Impossible. Stop. In the name of law. Stop. Impossible. Impossible. Ye kya ho raha hai ji? Stop. Stop. मुझे क्यों मारा जी? कौन है कौन है? ओए मैं हीरो बनूंगा, मैं हीरो बनूंगा। तुम सब ऑडिशन दो, जो हीरो के लायक होगा उसे हीरो बनाऊंगा। ये है मिस मोना, जो हमारे फिल्म की हीरोइन है। ओके, ऑडिशन शुरू करिए, देखते हैं आप में से डांस कौन अच्छा करता है। म्यूजिक। दुश्मनों को सलाम, असली हीरो मैं हूँ, जॉन है मेरा नाम। वाह बॉस वाह, क्या कविता बनाई है ना नंबर दो। तुम कौन हो? हीरोइन के साथ हीरो होगा कौन कौन कौन? जो स्मार्ट हो, हैंडसम हो, जैसे जॉन जॉन जॉन। वाह बॉस वाह, क्या कविता बनाई है ने नंबर दो। कविता को छोड़ो, मोना को उठाओ, ऑडिशन खत्म हुआ, सब अपने अपने घर जाओ। बेवकूफो, कविता को छोड़ने को कहा था, रस्सी छोड़ने को नहीं। चलो हीरोइन को लेकर चलो, इसका हीरो मैं बनूंगा और शूटिंग भी मैं ही करूंगा। जॉन मेरी हीरोइन को लेके नहीं जा सकता। पुलिस पुलिस। उड़ी बाबा, वो तो जॉन द डॉन है, उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जो हीरोइन को बचाएगा वो मेरी फिल्म का हीरो बनेगा। जाओ। कोई पुलिस को खबर करो। तुमने पुकारा और मैं चला आया। दुनिया कहती है पुलिस हमेशा देर से आती है, लेकिन चिंगम इज Never late. आप अभी लेट हो, गुंडे हीरोइन को ले गए। अय्या मां, मोना जी डरना मत।
वो जा रहे हैं। मैं क्या करूं, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो। आइडिया, मोटू ये ट्रॉली तो बहुत धीरे चल रही है, कुछ करो। मेरे पास एक आइडिया है, पतलू घसीटा राम मोटू को लिटा दो और कस के पकड़ो। ये क्या कर रहे हो बड़े भैया? छोड़ना मत उन्हें। नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत करो। बचाओ, बचाओ। मैं आ रहा हूँ तुम्हारा हीरो, मैं आ रहा हूँ। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। स्टॉप, इन द नेम ऑफ लॉ, स्टॉप। ये तो रुक नहीं रहा। हे रुको, इन द नेम ऑफ लॉ, तुम्हें कानून की कसम, रुको। रुक जाओ प्लीज, इंस्पेक्टर को मारोगे तो पंप लगेगा। अयो बचाओ, थैंक यू। अयो रुक भी जाओ, अपने इंस्पेक्टर को मारोगे क्या? भाग चिंगम भाग, आज तेरी जिंदगी का सवाल है। बचाओ! चिंता मत करिए, आपका हीरो आपको बचाने आ रहा है। पतलू भागो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मोटू मैं तुम्हारे साथ हूँ, रुकना मत, भागो। उड़ी बाबा, में ड्राइवर नहीं है, आगे पुल टूटा है, या तो हीरोइन को बचा लो या फिर मुझे पकड़ लो। जॉन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मोटू पतलू तुम बच गए तो करेंगे ही ही, वरना जॉन द डॉन का आखिरी बाय बाय। मोलाजी मैं अपना हीरो मोटू अभी आपको बचाता हूँ। ओए हम बचाएंगे आपको। बड़ी बहादुर हैं, आपने मुझे बचा लिया। ये ट्रेन कैसे रुक गई? किसने रोकी ट्रेन? नेम इज चिंगम, चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। डायरेक्टर साहब, अब आपकी फिल्म का हीरो कौन होगा? मेरी फिल्म के हीरो चिंगम सर ही होंगे, उन्होंने हीरोइन को बड़ी बहादुरी से बचाया। सारी मेहनत हमने की और हीरो इसे बना गए? हम ये नहीं होने देंगे। पकड़ो इस डायरेक्टर को, अभी मजा चखाता हूँ। हीरो जी बचाओ। नेम इज चिंगम द हीरो, हीरो चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। मैं हीरो बनूंगा और इस तरह फायर करूंगा।
अब तुम्हें कौन बचाएगा? ऊपर वाले बचाओ। अरे हम क्यों भाग रहे हैं? हमने तो कोई चोरी नहीं की। पता नहीं, तू भागा तो मैं भी भाग लिया। वो देखो, जॉन द डॉन भाग रहा है। मोटू, इस स्पीड से काम नहीं चलेगा, कुछ करो। मैं क्या करूं? खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम ही कुछ सोचो। आइडिया। समोसे। अरे हम जॉन से रेस नहीं लगा रहे हैं, उसे पकड़ना है। स्पीड कम करो। अरे कैसे कम करूं? खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया। The name is Chingam, Inspector Chingam. Chingam के चंगुल से बचना impossible. बोले तो impossible. सर सर, इसने क्या चुराया है? एक आदमी को पुरपुरी नगर में किसी खुदाई में हजारों साल पुरानी एक मूर्ति मिली थी, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में है। ये वो मूर्ति चुरा के भाग रहा था। इस मूर्ति की कीमत करोड़ों रुपए है? Yes. क्या पुरपुरी नगर में ऐसी और भी मूर्तियाँ होंगी? यस, जरूर होंगी। हम भी खुदाई करेंगे और ऐसी ही मूर्ति ढूंढेंगे। जय हो! ये आइडिया बहुत अच्छा है। फिर हम भी करोड़पति बन जाएंगे और दिन रात समोसे खाएंगे। पूरी पापा, ये दोनों यहाँ इसको दफनाने आया है। दफनाने नहीं, ओए घसीटे, चक्कर कुछ और ही है। चलो पूछते हैं। ओए मोटू, मेरे बड़े प्रा, मेरे पाई, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। देखो तुम थक गया है, हम तुम्हारा मदद करने आया है। अभी जल्दी से बोलो खुदाई क्यों करता है। नहीं बताऊंगा। पतलू, अब और नहीं खोदा जाता, मेरी कमर का बुरा हाल है। मेरा भी बुरा हाल है। चलो इनकी मदद ले लेते हैं, सब माल आपस में बांट लेंगे। अच्छा ठीक है, हम तुमको अपना पार्टनर बनाते हैं। नीचे से जो भी प्राचीन काल की मूर्ति मिलेगी उसे बेच के हम करोड़ों रुपए आपस में बांट लेंगे। पूरी बाबा, करोड़ों रुपए? हम अभी खुदाई शुरू करवाता है। खुदाई करवाने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। तुम ये लो और तुम ये लो, चलो खुदाई शुरू करो। और तुम क्या करोगे? अरे हमको खुदाई करवाने का तजुर्बा है, खुदाई करने का नहीं। अरे ये तो दरवाजा है। जय हो! नीचे कुछ तो जरूर मिलेगा। ओए ये तो मोटू पतलू की चीख थी। वो दोनों कहाँ गए? ये क्या, उनकी टॉर्च तो नीचे पड़ी है। उड़ी पापा, उनको कोई जानवर खा गया क्या? यहाँ कौन सा जानवर हो सकता है? सुना है जमीन के अंदर अनाकोंडा रहते। बचाओ, बचाओ! डॉक्टर छक्का, बचाओ, बचाओ, बचाओ! उन्हें छोड़ दो, अनाकोंडा उन्हें निगल रहा है। अरे हम दलदल में फंसे हैं, हमें खींच के निकालो। पूरी बाबा, दलदल है। ये झोटा हमको एनाकोंडा बोल के डरा रहा था। पूरी बाबा, ये तो मकड़ी का जाला है। मकड़ी का जाला? अरे इतना बड़ा जाला कैसे हो सकता है? आप क्या करें? हम क्या करेंगे? अब तो जो करना है वो मकड़ी रानी ही करेंगी। अरे तुम चिंता मत करो, मकड़ी से बचने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है।
मोटू तुम जाओ और मकड़ी से लड़ाई करो। मैं और मकड़ी से लड़ू? बचने का तरीका बता रहे हो या ऊपर वाले के पास जाने का? देखो जब तू मकड़ी से फाइट करेगा तो वो तुमको खाने लगेगी और मकड़ी अपना शिकार धीरे धीरे खाता है और मौका देख के हम तीनों बच के भाग जाएंगे। कसम मेरे मरीजों की, मोटू आज दोस्तों की दुनिया में अमर हो जाओगे। हम पुरपुरी नगर में तुम्हारी मूर्ति लगाएंगे। मोटू क्यों जाए, तुम क्यों नहीं जाते? क्योंकि मूर्ति खोजने का आइडिया तुम्हारा था। करोड़ों रुपए तुम्हें भी तो चाहिए थे। हाँ हाँ सही बोला। शुक्र है उस मकड़ी से पीछा छूटा। अब आराम से मूर्ति ढूंढते हैं। अब ये क्या है, कैसी आवाज है? जैसे कोई तेजी से सुरंग में अपनी तरफ आ रहा है। उड़ी बाबा, मामूली, एनाकोंडा इज कमिंग, मामा, बचाओ, मामूली। ये एनाकोंडा की आवाज नहीं, ये तो चट्टान है। भागो! अरे ये तो सामने से आ रही है, वापस भागो! अरे ये तो महंगाई की तरह पीछे ही पड़ गई है, भागो! अरे भागो भागो, क्या चिल्ला रहा है, इतनी देर से भाग ही तो रहा है। वो देखो वहाँ मूर्ति रखी है। जाओ, हम करोड़पति बन गए। वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, वहाँ कोई ट्रैप भी हो सकता है। मुझे मूर्ति उतारने का 20 साल का तजुर्बा है। आप भी देखो हम क्या करता है। मोटू पतलू, मूर्ति के पास पहुँच के उसे उतार लेना। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ूंगा नहीं, हमें पतंग बना दिया। छोड़ो मुझे, उतारो यहाँ से। डॉक्टर झटका, आज पहली बार पतंग उड़ाने में इतना मजा आ रहा है, चलो पेच हो जाए। हाँ हाँ घसीटे, तुमने तो बचपन की याद दिला दी। मूर्ति कहाँ भागने वाली है, चलो पेच लड़ा ले। रोको रोको, क्या कर रहे हो? अरे पागल हो गए हो क्या, उतारो! नहीं 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 नहीं! अरे रोको, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, मूर्ति बेच के एक पैसा नहीं दूंगा। पास है। जान बचाने के चक्कर में मूर्ति कहाँ गिर गई, पता ही नहीं चला। शुक्र है हम बच तो गए। मोटू बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं, अब क्या करें? खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो। आइडिया, हम जमीन में ज्यादा नीचे नहीं हैं, ऊपर से छत खोद के जा सकते हैं, लेकिन खोदे कैसे? मैं किस दिन काम आऊंगा? देखो, हमने कोई पुरानी सभ्यता खोज ली। ये देखो पुराने जमाने का सामान है, हमारी तरह बर्तन, हमारी तरह कपड़े। हाँ हम किसी के घर में निकले हैं, वो भी हमारी तरह कुर्सियाँ मेज इस्तेमाल करते थे। अरे नहीं नहीं, वो तो पहले ही कोई खोज चुका है, इसका नाम हम सोचते हैं। अरे ये देखो, हजारों साल से मिट्टी में दबी
एक फोटो। वाह वाह, ये तो घसीटा राम के किसी पूर्वज की फोटो है। मुबारक हो घसीटा राम, हम तुम्हारे पूर्वज के घर में निकले। अरे ये मेरा पूर्वज का घर नहीं, उसका फोटो नहीं, ये मेरा फोटो है और ये मेरा घर है। तुमने बारूद से उड़ा दिया, हम तुमको छोड़ेगा नहीं। बचाओ, बचाओ! खबरदार, जो उधार मांगने आए तो बचाओ। अयमो, ये क्या जी, कुछ भी हो पहले भागो। ये गोल गोल गोला रोल रोल को मेरे पीछे क्यों आता जी? Hey, stop, stop, in the name of law. छोड़ बनाई, एक एक को देख लूंगा। ओटू पत्तू, तुम दोनों मेरे साथ गोल गोल रानी क्यों खेला, क्यों? हमारी गलती नहीं है सर, हम जा रहे थे, ये लोग आ रहे थे, हमें लपेटे में ले लिया, फिर आप जा रहे थे और हम आ रहे थे, हमने आपको लपेटे में ले लिया। तो तुम ही जिम्मेदार हो, है ना? मैं जा रहा था और तुम आ रहे थे, तुमने हमको लपेटे में लिया, तुमने। अब बोलो जिम्मेदार कौन, अब भी गोली मारूंगा। सर सर, कंफ्यूज मत हो, आप मेरे साथ बोलो कि आप जा रहे थे, हमने आपको अपने लपेटे में लेकर गिरा दिया। आप जा रहे थे, हम आ रहे थे, हम आ रहे थे, हमने आपको अपने लपेटे में लेकर गिरा दिया, हमने आपको अपने लपेटे में लेकर गिरा दिया। अय्यम्मा, इसमें तो हमारी गलती दिखती है, सॉरी सॉरी। लेकिन कुछ तो गड़बड़ाई जी, गिरा तो मैं था, फिर से शुरू करते हैं। छोड़ो ना सर, आपने हमें सॉरी कह दिया, हमने आपको माफ कर दिया, बात खत्म। ओके, बात खत्म, ठीक है खत्म, लेकिन हमें बचाओ चिंगम सर। सर, टाइगर, टाइगर आ गया हमारे शहर में, वो एक एक करके हमारी बकरियाँ और मुर्गियाँ सबको लपेटे में ले रहा है। टाइगर आया तो क्या मेरी गोद में बैठोगे? उतरो, नीचे उतरो जल्दी। ओ चिंगम सर, आप यहाँ लोगों के साथ टाइम पास कर रहे हो? खबर भी है एक टाइगर जू से भागकर यहाँ फुरफुरी नगर में आ गया है। Why fear when Chingam is here? चिंगम के चंगुल से बचना impossible, बोले तो impossible। चिंगम सर, टाइगर को मारना है हमको नहीं। टाइगर को मारना सरकार की तरफ से मना है, लेकिन हम उसे पकड़ के जू में वापस भेजेगा और ये काम करेंगे पूरपुरी नगर के हीरो मोटू पतलू। बहुत लंबे होते हैं, इनसे बचना मुश्किल है। अब तक तो ये सुना था, आज देख भी लिया। अरे हमें टाइगर नहीं पकड़ना, वो हमारा लंच डिनर बना देगा। नो थैंक यू। पूरे पूरपुरी नगर को तुम दोनों ही बचा सकते हो, और हमें कौन बचाएगा? पुरी बाबा, टाइगर पकड़ने का हमारा 20 साल का तजुर्बा है, हम तुम्हारा मदद करेगा। ओ मोटू मेरे दोस्त, मेरे बड़े प्रा, मैं तुम्हें ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा कि टाइगर तुम्हें एक मिनट में खा जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्या? मजाक कर रहा था मेरे यार, मेरे तरीकों से तुम टाइगर को एक मिनट में पकड़ लोगे और उसे पता भी नहीं चलेगा। मोटू पतलू, मान जाओ, हम तुम्हें महीने भर फ्री समोसे खिलाएंगे। हाँ, फ्री समोसे, वो भी महीने भर? ठीक है, समोसों की खातिर, मेरा मतलब है कि फुरफुरी नगर के खातिर हम मान लेते हैं, क्यों पतलू? अब तुमने हाँ कह दिया है तो मैं ना कैसे कहूँ। चलो डॉक्टर झटका, ये बताओ कि टाइगर कैसे पकड़ना है।
मोटू मेरे दोस्त मेरे भाई, जब वो टाइगर उस बकरी को खाने आएगा तो जाल में कदम रखते ही जाल ऊपर उठ जाएगा और वो फंस जाएगा। वाह, टाइगर पकड़ना तो बहुत आसान है। अच्छा तो हम चलते हैं, हमसे कोई भूल चूक हो गया हो तो माफ कर देना और ऊपर वाले से बोलना कि फूरफूरी नगर को हर मुसीबत से बचा के रखना। अरे तुम्हारा मतलब क्या है, हम ऊपर वाले के पास जाने वाले हैं? डोंट वरी, ये तो मजाक कर रहा था। पूरी नगर तुम्हारी ये कुर्बानी हमेशा याद रखेगा। पतलू, एक बार अगर हम इस टाइगर को पकड़ ले तो फुरफुरी नगर के हीरो बन जाएंगे। और अगर टाइगर ने हमें पकड़ लिया तो हम उसके पेट में जाएंगे। अरे टाइगर हमें क्या खाएगा, उसे आने तो दो। मैं उसे पकड़ के ऐसे मारूंगा, ये पंच मारूंगा और फिर मैं उसे उठा के ऐसे पटक दूंगा और उसकी छाती पे बैठ के कहूंगा, बोल फिर कभी फुरफुरी नगर वालों को दोबारा तंग करेगा? मोटू जल्दी कुछ करो। अरे मैं क्या करूं, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो। आइडिया, जोर जोर से चिल्लाओ, बचाओ, बचाओ। अरे उड़ी बाबा, लगता है इन्होंने टाइगर को नहीं पकड़ा, टाइगर ने इनको पकड़ लिया है। नीचे उतारो, नीचे उतारो, नीचे उतारो, नीचे उतारो। आप नहीं पकड़ना टाइगर, शिकार करने को आए थे, खुद ही शिकार हो गए। मेरे यार, मेरे बड़े प्रा, इस बार तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा, तुम बस मचान पे बैठ के टाइगर को पकड़ोगे, फुल प्रूफ प्लान है। ओए पतलू, तुम अंदर बैठ के बकरी की आवाज निकालते रहना, टाइगर जैसे ही तुम्हें खाने को पिंजरे के अंदर घुसेगा तुम पिंजरे से निकल के दरवाजा बंद कर देना और मोटू ऊपर मचान पे बैठा होगा, वो आगे का दरवाजा उस रस्ती से बंद कर देगा। अरे मैं ही क्यों बकरी बनूं, मोटू क्यों नहीं? ओ, क्योंकि तुम ज्यादा बहादुर हो। अच्छा देर मत करो, टाइगर के डिनर का टाइम हो गया है। क्या, तुम हमें उसका डिनर बना रहे हो? उड़ी बाबा, उसका मतलब है कि अब टाइगर खाने के लिए निकलेगा और यहाँ पिंजरे में फंस जाएगा। पतलू जल्दी बकरी की आवाज में चिल्ला। ओ पतलू चिल्ला बकरी की आवाज में, वरना टाइगर नीचे नहीं आएगा। यहाँ अपनी आवाज नहीं निकल रही, बकरी की आवाज कैसे निकालो? बचाओ, छोड़ दो उसे।
खबरदार, मेरे दोस्त को छुआ भी दो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हम भाग रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि हम डर रहे हैं। कान पकड़ के जू वापस ले जाऊंगा। दोबारा पतलू की तरफ आँख उठा के देखना भी मत। मोटू अपना मुंह बंद कर और भाग यहाँ से, इससे पहले कि वो अपना मुंह खोले। ओ माय गॉड, ये मैं क्या कर रहा था? सॉरी दोस्त, सॉरी। स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। टाइगर, तुम्हें जंगल के कानून की कसम, रुक जाओ। जिंगम के चंगुल से बचना यम पॉसिबल, यम पॉसिबल। चिंगम सर, वाह वाह, आपने टाइगर पकड़ लिया। टाइगर था तो बहुत ही खतरनाक और चालाक, लेकिन उससे एक गलती हो गई। उसने चिंगम से पंगा ले लिया। उसे नहीं मालूम था कि चिंगम के चंगुल से बचना यम पॉसिबल। मैंने उसे गर्दन से पकड़ा और पिंजरे में कैद कर दिया। हाँ, तुमने? यस, मैंने, और मैंने तुम्हारी जान भी बचाई। मेरे होते हुए पूरपुरी नगर को कोई खतरा नहीं होगा। ए, डरो मत, मुझसे डरो मत, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। लेकिन वो हमारा दोस्त नहीं है। टाइगर, भागो।